सो हाई स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम हमारा एच एस एस सी फिज़िक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर का तीन नंबर वीडियो देखने वाले हैं और हम कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं तो प्लीज़ जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा पहले आप लोग जाके उनको देख लो फिर जाके थर्ड वीडियो पे आ जाना ठीक है तो पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है बेसिक प्रिंसिपल इज दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वेयर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेयर प्रोवाइडेड द एरिया इज यूनिफॉर्म क्रॉस एंड यूनिफॉर्म करंट इज़ फ्लोइंग यानी इस प्रिंसिपल को मानने के लिए दो रूल्स है दो बेसिक क्राइटेरिया वो है कि वायर जो रहेगा वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहना पड़ेगा और जो करंट जो पास करेगा वो यूनिफॉर्मली पास करना पड़ेगा उसके बाद स्टेट किड्स ऑफ जंक्शन रूल एंड स्टेट किड्ज ऑफ्स रूप रूल तो पहला जंक्शन रूल स्टेट स्टेट एट एनी सर्किट जंक्शन द सेम करंट फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ दैट जंक्शन आर इक्वल यानी कह सकते हो किसी भी अगर सर्किट के जंक्शन पे तीन एम्पियर जैसे कि डायग्राम पे देख पा रहे हो आप इधर पे डायग्राम पे जैसे कि इधर पे देख रहे हो कि तीन एम्पियर इधर पे आके घुस रहा है फिर और तीन एम्पियर घुस रहा है तो जैसे निकलेगा तो टोटल सिक्स एम्पियर करंट आउट होगा ठीक है तो जितना निकलता है और जितना घुसता है वो इक्वल रहता है ठीक है उसके बाद गिट्स ऑफ लूप रूल स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अराउंड लूप इज जीरो ये समझ लो एक लूप है तो इसमें जो करंट जो पास होगा जो करंट जो मोब करेंगे उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा जीरो रहेगा ठीक है तो पोटेंशियल कुछ भी नहीं बनेगा उधर पर कह सकते हो कभी भी पोटेंशियल नहीं बनता है पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है फिर टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पहला डिके आल्फा डिके फिर बीटा डिके फिर गामा डिके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीन डिके है और, और एक डिके है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन एमिशन तो अल्फा डिके में क्या होता है आ, जो आपका जो ए है वो डिक्रीज हो जाता है फोर फोर से और जो जेड है उसका इंक्रीज हो डिक्रीज हो जाता है दो दो से टू से ठीक है फिर बीटा डी के में क्या होता है आपका ए अनचेंज रहता है और जेड जो है वो इंक्रीज हो जाता है एक से फिर गामा डी के में कोई भी चेंज नहीं आता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इट इज द मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेंडेंसी रहता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने का उसे कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट उसका फॉर्मुला है इज इक्वल्स टू एम इन टू बी जिसमें इज इक्वल्स टू टॉर्क एम इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड पहला है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन उसके बाद मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और थर्ड है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो वेट करिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं अभी हम तो इधर पे है पहला क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला क्वेश्चन है आ, मीनिंग क्या है एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट करता है उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका जो आई के साथ यानी करंट के साथ जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आई इजिकल टू एन ई ए वीडी ठीक है इधर पे वीडी है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटर लो एम्पियर सर्किटर लो का एप्लीकेशन क्या है टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंडक्ट ड्यू टू लॉन्ग करेंट कैरिंग निकलता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई नॉट रहता है करेंट ठीक है, रहता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पावर फैक्टर ऑफ एस ए सर्किट इट इज डिफाइंड रेशियो ऑफ द रियल पॉलर कंज्यूम बाई द एपरेंट पावर कंज्यूम बाई द सेम सर्किट एक सर्किट का जो आपका रियल पावर कंज्यूम होता है और जो एक मतलब जो एपरेंट पावर कंज्यूम होता है उनका जो रेशियो रहता है उसको कहा जाता है पावर फैक्टर इसका फॉर्मूला क्या है कॉस फाइ इजिकल्स टू पी बाई एस जिधर पे पी है रियल रियल पावर और एस है अपरेंट पावर ठीक है नेक्स्ट आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी सर्किट रूट मीन्स क्वेयर वैल्यू ऑफ ए सी सर्किट करेंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करेंट वीट टूट जन जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हिट इन ए गिवन रजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम एज इज़ डन बाई ए सी सर्किट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इट नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड लिमिटेशन क्या क्या था तो बोर्ड्स क्या थे इट फेल टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट जीमैन इफेक्ट क्या था मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो uh, मतलब जो uh, वो जो स्प्लिटिंग दिखने को मिलता है स्पेक्ट्रम में उसका डिफिनेशन और नेक्स्ट है स्टार्क इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होता है उसका जो रीज़न ये दो रीज़न बोर्ड साहब ने एक्सप्लेन करना उनका मतलब उनके जो मॉडल था उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था तो ये था बोर्ड का लिमिटेशन ठीक है तो रात तक अगर हो पाए तो मैं और एक वीडियो डालूंगा इसका पार्ट फोर का अगर आपको चाहिए पार्ट पार्ट फोर तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट के अनुसार ही मैं इसका फोर्थ पार्ट डालूंगा ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करवाया तीन वीडियो में अच्छे से करो फोर्थ पार्ट अगर आए भी तो आएगा रात तक आ जाएगा आपके डिमांड के अनुसार और नहीं तो नहीं आए तो अच्छे से एग्ज़ाम दो कल सुबह तक कुछ एक फिजिक्स का टिप्स बताऊँगा एग्जाम से पहले एक घंटा पहले ठीक है थैंक यू वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना